तिमनासा ने क्या छीन ली है बालवीर की सारी शक्तियाँ, बिना शक्तियों के कैसे दी बालवीर ने तिमनासा को मात। कालुक पर लग गया है ग्रहण और ये कुछ ऐसा ग्रहण है जिसके चलते अगर बालवीर बिना शक्तियों के ग्रहण खत्म होने तक रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। और अपने इसी प्लान को सक्सेसफुल करने में तिमनासा निकल पड़ती है जहाँ वो बालवीर की शक्तियाँ छीन लेती है। बालवीर की शक्तियाँ तिमनासा छीन भी लेती है और उसे कालुक तक अर्ध मरा कर लेकर चली जाती है। इसमें सबसे बुरी बात ये है कि बालवीर को तिमनासा उसकी ही बाकी परियों की शक्तियों से मार देती है। इन सब बातों की खबर जैसे ही छोटे बाल और बाकी परियों को पड़ती है, सभी भागी भागी चले जाती हैं काललोक बालवीर को बचाने। यहाँ छोटा बालवीर यानी कि विवान अपने चालाकी से पलट देता है तिमनासा का हर एक प्लान। तिमनासा क्या इस हार को सह पाएगी या नहीं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।